मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा टैंक चौराहे से लेकर राजीव भवन तक पोषण रैली का आयोजन किया। इस रैली में मुख्य रूप से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी मौजूद रही। वहीं इस रैली में मुख्य विकास अधिकारी रामनिवास भी उपस्थित रहे। इस रैली को सफल बनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाओं ने इस रैली की शोभा बढ़ाते हुए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए हाथों में पट्टी लिए इस रैली का शुभारंभ किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार महिलाओं के प्रति काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। योजना के अंतर्गत पोषण रैली का आयोजन करते हुए महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। यह रैली महिलाओं के अंदर पाई जाने वाली तमाम बीमारियों से बचने के उनके खान पान के बारे में ध्यान रखना सिखाएगी। अबूमन देखा जाता है कि महिलाओं द्वारा अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखने के कारण महिलाओं को कमजोरी का सामना करना पड़ता। यह तकलीफ ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को झेलनी पड़ती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखती हैं, जिसके चलते डिलीवरी के दौरान महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते महिलाओं की जान भी चली जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया।